बहुत स्वागत है आपका। आप जुड़ गए अपने चैनल द लोकल रिपोर्ट के साथ। नमस्कार, आप जुड़ गए द लोकल रिपोर्ट के साथ, मैं हूँ मीनू शर्मा। तो आइए नजर डालते हैं आज के खास समाचार पर। आज की बड़ी खबर जो काशोर परसोला से आ रही है वो ये है कि वेद प्रकाश गुप्ता, जो कि एडवोकेट आसिम के समर्थक है, कल रात काशोर परसोला में उन पर एक हमला किया गया। तो आइए पूरी जानकारी के लिए हम फोन पर बात करते हैं शादाब सहरवर्दी, जो कि एनसी के प्रोविजनल प्रेसिडेंट हैं, उनके साथ। नमस्कार सर, आप जुड़ गए हैं द लोकल रिपोर्ट के साथ। तो सर, हम जानना चाहते हैं कि कल रात काशोड़ में जो वेद प्रकाश जी पर हमला हुआ, उसके पीछे क्या कारण था और कौन लोग थे जिन्होंने ये हमला किया? देखिए, मैं कल वहीं पे था कुछ देर पहले, उस इंसिडेंट से कुछ देर पहले। वहाँ पे हमारे कुछ वर्कर हैं, रिसेंटली हमारे साथ जुड़े हैं, जो कि शेड्यूल कास्ट कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं। तो उन्होंने मुझे वहाँ बताया कि यहाँ पे हमें पहले तो ये पैसे लेके आए और शराब लेके आए, हमें खरीदने की कोशिश की। जब उन्होंने नहीं माना तो उन्होंने उनको धमकी दी जान से मारने की। तो उसमें धमकी देने वाले में कॉन्ट्रैक्टर थे, वो जिया लाल वो थे। तो मैं फिर वहाँ से निकला और यहाँ ये वेद प्रकाश गुप्ता जी को फ़ोन किया। मैंने कहा यहाँ पे रहो आप, ताकि इन पे प्रेशर बहुत आ रहा है, इन आप यहीं पे रहिए रात भर। तो जब वो वहाँ पहुँचे, मैं तो वहाँ से निकल गया, मैं अभी एक दो किलोमीटर दूर ही था, तो वहाँ से मुझे फ़ोन आया कि इनने इन पे हमला कर दिया। हमला करने वालों में थे राजेश राठौर, उनके वो भी कॉन्ट्रैक्टर हैं, उनका भतीजा है, और राकेश शर्मा है, इनका मंडल प्रधान की मोहला का, और वही जियालाल, और भी करीब करीब 10-12 लोग थे उसमें। वो जैसे ही वहाँ पहुँचे, गाड़ी से उतरे और उनने उन पर हमला शुरू कर दिया। उनने पूछा भी नहीं उनसे कि आप क्या हो, कैसे यहाँ पे आए। तो सर, जो ये वाइन वाला केस है, जैसे कि मरमत में भी चुनाव के दौरान दारू पकड़ी गई, सर उसके बारे में आपका क्या कहना है? जी, जब मुझे यहाँ से फोन आया ना, मैं वापस मोड़ी गाड़ी, हम ऊपर जा रहे थे, ऊपर से कुछ और इनकी गाड़ियाँ, उसमें वो राकेश शर्मा बैठे थे। जैसे ही उनने मेरी गाड़ी देखी तो उनने गाड़ी छोड़ के, ड्राइवर समेत वो गाड़ी छोड़ के भाग गए। हमने गाड़ी चेक की तो उसमें फिर से शराब पड़ी थी, मैंने वो वीडियो डिफरेंट ग्रुप्स में भेजी भी है। लेकिन मरमत में इंसिडेंट हुआ, बहुत जगहों पर इंसिडेंट हुआ, मुझे लगता है एडमिनिस्ट्रेशन पुलिस इनका पूरा साथ दे रही है, क्योंकि कोई एक्शन उन पर भी नहीं हुआ और हम नहीं एक्सपेक्ट करते हैं कि इस पर भी कोई एक्शन करेंगे। सर, वाइन वाले केस पे जैसे कि आपका कहना है कोई एफआईआर दर्ज नहीं हुई, तो सर जो कल रात को हमला हुआ उस पे कोई एफआईआर दर्ज हुई, अगर हुई कम्प्लेंट, तो हमें कंप्लेंट तो की है पुलिस को, एफआईआर शायद आज दर्ज हो जाएगी, कंप्लेंट तो हमने कर दी फॉर्मली। ठीक है सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे चैनल के साथ जुड़ने के लिए। थैंक यू। तो ऐसे ही अपने आसपास के समाचारों से रूबरू होने के लिए जुड़े रहिए हमारे अपने चैनल द लोकल रिपोर्ट के साथ। Subscribe the local report and press the bell icon. You will get all new notifications. Thank you.